हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं शुभेंदु सरकार और आप सभी का स्वागत है रिदम लेसन पर। तो दोस्तों, अभी आपने जो वीडियो देखा है उसका एक एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो वो जो वीडियो था, एक शॉर्ट लग गया थी वो, तो उसके कुछ टाइप्स थे और एक मेन लग गई थी। तो आइए इसको सीखते हैं, कैसे बजाते हैं इसको अच्छे से जान लेते हैं और क्या क्या इसके बोल हैं। तो देखिए, बोल कुछ इस तरीके से है। थोड़ा सा आपको ये प्रेशर के साथ बजाना पड़ता है, हर बोल में प्रेशर है इसके, और इसका जो एक लोच है वो इस तरीके से बन रहा है। लगभग लगभग एक पूरा एक स्टाइल ही कहरवे का है, लेकिन अगर आप इसको स्पीड में बजाएंगे तो ये थोड़ा सा अपना मूड चेंज करके लग्गी के फ्लो फ्लो में चले जाता है। अब देखिए इसको कैसे बजाएंगे। तो इस तरीके से इसके कई सारे वैरायटी हम बना सकते हैं। तो जिसका मेन टाइप है वो क्या है उसको देख लेते हैं। है ना, धाति तिक्ता ताति धिक्ता, धाति तिक्ता ताति धिक्ता। अगर इसको स्लो में देखें तो कुछ इस तरीके से इसका पैटर्न निकल के आ रहा है। अब ये देखिए कैसे बजेगा, धाति तिक्ता ताति धिक्ता धा। अब इसको समझिए थोड़ा सा, इसको मैं बोल लेता हूँ दो तीन बार। देखिए, धाति तिक्ता ताति धिक्ता, धाति तिक्ता ताति धिक्ता, धाति तिक्ता ताति धिक्ता, धाति तिक्ता ताति धिक्ता, धाति तिक्ता ताति धिक्ता। ये बन रहा है इसका, धाति तिक्ता ताति धिक्ता। इसमें एक चीज कॉमन है, ताते टेता ताते टेता ताते टेता ताते टेता। और ये एक बहुत ही स्पेशल रियाज है, इसको अगर आप करेंगे तो आपके कई सारे बोलों के रियाज ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। देखिए क्या है रियाज, ता ते टे ता, 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 है ना, ता ते टे ता। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही यूनिक है। ता सिंपल ता बजाना है और फिर ते, फिर टे, फिर ता। तो इस तरीके से ही बज रहा है। अब देखिए, जब हम कभी स्पीड में तीन ताल बजाते हैं तो इस चीज का यूज किया जाता है, कई बार इस चीज का भी यूज किया जाता है। है ना, आपने ऐसा सुना होगा, तो कई बार ऐसे भी हाथ का जो मोशन है वो इस तरीके से भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं तीन ताल में भी। अब देखिए, अब ये तो आपको पता चल गया, ताते टेता ताते टेता। इसके साथ हमने डग्गे में क्या बजाना है, घे का घे की घे का घे की घे, है ना। देखिए घे प्रेशर, पहला वाला घे प्रेशर के साथ ही होता है, तो घे का घे की। बस आपको तीन चीजें याद रखनी, क्या, घे और का और फिर घे घे, है ना। तो बिल्कुल सिंपल है। ये कहरवे का ही स्टाइल है। तो देखिए इसको हम स्पीड में बजाते तो लग्गी जैसा सुनाई देने लगता है। तो इस तरीके से आप इसको बजा सकते हैं। अब देखिए, अब मैं दोनों को ज्वाइंट करके आपको बताता हूं कि दोनों एक साथ जब बज रहा है तो कैसे कैसे बज रहा है। देखिए, धा ती तिक ता, धा है ना, गे है और यहाँ पे ता है, धा ती तिक ता, ता के साथ का भी है यहाँ पर,
तो अभी देखिए इसको कैसे बजाएंगे, धा ति ति टा, है ना, धा ति ति ता ता ति। अब देखिए ता ति, ति के साथ छोटा सा यहाँ पे ओपन गे है, पूरा रेजोनेंस आ रहा है, तो धा ति ति ता ता ति, धा ति ति ता ती, यहां तक हो गया। फिर उसके बाद क्या है, धा ति ति ता ता ति, धिक। अब देखिए धिक किस तरीके से हो जाता है, ये तिक है और ये गे को स्लाइड करके म्यूट कर दिया, धिक ता, धा ति ति ता ता ति, धिक ता, है ना, धिक ता। तो देखिए पूरा पैटर्न अगर बजाते हैं तो कुछ धा ति ति ता ता ति, धिक ता, धा ति ति ता ता ति, धिक ता, धा ति ति ता ता ति, धिक ता, धा ति ति ता ता ति, धिक ता। इस तरीके से आप इसको बजा सकते हैं और यही चीज स्पीड में बज के वैसा सुनाई देता है। तो इसके साथ साथ इसमें वेरिएशन है, तो देखिए इसका जो, इसके साथ साथ आप इसका पलटा बजा सकते हैं, वो कुछ इस तरीके से है। धाती तिक धाता ति तिक ता ता ति तिक धाता ति धिकता, धाती तिक धाता ति तिक ता ता ति तिक धाता ति धिकता। सेम इसी तरीके से बजाना है जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, तो धाती तिक धाता ति तिक ता ता ति तिक धाता ति धिकता, धाती तिक धाता ति तिक ता ता ति तिक धाता ति धिकता, है ना। तो अब देखिए ताती तिक ताता ति तिक ता, ये सेम वही पैटर्न चल रहा है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन डग्गे में है ना। तो इसको अगर टोटल मिला के देखेंगे तो ये कैसे बन रहा है, देखिए धा ती तिक धा, इतना सा सीख लेते हैं, धा ती तिक धा आ गया होगा, बहुत ही सरल है। देखिए धा ती तिक धा को स्लाइड कर दिया मैंने बाद में, तो धा ती तिक धा, है ना। और उसके बाद क्या है, धा ती तिक धा ता ती तिक ता ता ती तिक ता, ये तो आपको आता ही है। और इसके बाद क्या है, धा ती तिक धा ता ती तिक ता ता ती तिक धा ता ती तिक ता ता ती तिक धा, देखिए ता ती तिक धा ता ती। अब ये इस ती के साथ ओपन गए है क्योंकि ये धीरे धीरे ओपन की तरफ जा रहा है, ओपन से म्यूट हो रहा है, म्यूट से फिर ओपन की तरफ जा रहा है, तो कैसे, धा ती तिक धा ता ती तिक ता ता ती तिक धा ता ती धिक ता, है ना। तो जो सेकंड लास्ट वाला धिक है ना, उसमें जो गे बजा रहा हूँ मैं, वो थोड़ा सा प्रेशर के साथ है, कैसे देखिए, धा ती तिक धा ता ती तिक ता ता ती तिक ता। और जो सम का जो धा है उसमें सबसे ज्यादा प्रेशर है, है ना। तो देखिए और ताति तिक धा के साथ आप एक का भी बजा सकते हैं, धाति तिक धा ताति तिक ता ताति तिक धा ताति तिक ता ताति तिक धा ता ताति तिक धा, देखिए ताति तिक धा ता, ना ये खाली वाला पल्ला है, धा ति तिक धा ता ति तिक ता, यहाँ तक भरी वाला पल्ला है, उसके बाद ता ति तिक धा ता ति धिक ता, लेकिन जो ता है उसको आप खाली ता ना बजाकर ता के साथ एक का भी वहाँ पे ऐड कर दीजिए तो और ज़्यादा बेहतर लगेगा। देखिए एक बार खाली ता बजा के सुनाता हूँ, एक बार ता के साथ का बजा कर सुनाता हूँ, अब ता के साथ का बजा कर सुनाता हूँ, है ना, दोनों में चेंजेस। तो आइए इसी तरीके से इसके पलटे देख लेते हैं, तो देखिए
देखिए इसको किस तरीके से बजाएंगे, थोड़ा सा टफ है लेकिन रियाज करने के बाद जरूर बच जाएगा। धाते धिकता ताधे तिकता ताते धिकता ताधे तिकता धाते धिकता ताधे तिकता ताते धिकता ताधे तिकता, है ना। धाते धिकता ताधे तिकता ताते धिकता ताधे तिकता धाते धिकता, यह यहाँ पे सेम वही पैटर्न चल रहा है, ताते धिकता ताते धिकता ताते धिकता ताते धिकता, है ना। डग्गे में क्या है, इसको सीख लेते हैं अच्छे से पहले। धा ती धिक्ता ता धी तिक्ता, है ना। धा ती धिक्ता, देखिए इतना सा ध्यान दीजिए पहले क्या बज रहा है। धा धा ती धिक, धिक के साथ तिक है और गे है, तो धा स्लाइड करके म्यूट है, ती धिक्ता, है ना। धा ती धिक्ता ता धी तिक्ता और फिर ताधी तिक्ता, तो ता धी तिक ता, देखिए ता धी मतलब ये को स्लाइड करके म्यूट कर दिया और यहाँ पे ते है, तो ता धी तिक ता, दोनों मिला के क्या बन गया, धाती तिक्ता ताधी तिक्ता। और उसके बाद क्या है, ताती तिक्ता ताधी तिक्ता, धाती तिक्ता ताधी तिक्ता, ताती तिक्ता ताधी, ताती धिक्ता। देखिए ये इसका सेकंड वाला पल्ला है, मतलब खाली वाला पल्ला है, ताती धिक्ता ताती धिक्ता ताती धिक्ता आ, मतलब मैंने आ को म्यूट कर दिया, ताती धिक्ता इस तरीके से, ताती ती के साथ ओपन वाला गे है इस तरफ, ताती धिक ता आ, और धिक में जो मैंने गेन बजा गे बजाया था उसका जो गेन था उसको मैंने म्यूट कर दिया, ता ती धिक ता। फिर से देख लेते हैं, देखिए ता ती धिक ता और आ, आ में मैंने उस गेन का जो ये जो रेजोनेंस आ रहा था इसको मैंने म्यूट कर दिया, ता ती धिक ता। और उसके बाद क्या है, ता धी धिक्ता, ता धी धिक्ता, ता धी धिक्ता, है ना, ता धी धिक्ता। तो देखिए टोटल मिला के क्या बज रहा है, इस तरीके से आप इसको बजा सकते हैं। एक पलटा और इसमें देख लेते हैं फिर हम इसको एंड करेंगे। देखिए ये कैसे बजेगा, ये भी एक सॉलिड पैटर्न है, तो धाती तिक्ता धाती धिक्ता ताती तिक्ता धाती धिक्ता, है ना। तो बोल क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं, धाती तिक्ता धाती धिक्ता ताती तिक्ता धाती धिक्ता। दाहिने का पैटर्न सेम है लेकिन बाएं में क्या बज रहा है, धाती तिक्ता धाती तिक्ता, है ना। धाती तिक धा ती तिक ता, ता के साथ एक छोटा सा यहाँ पे गे है, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है, धा ती तिक ता धा ती धिक ता, देखिए धा ती धिक ता धा ती तिक ता धा ती धिक ता धा ती धिक ता। धाती में हल्का स्लाइड है, धिक में ज्यादा स्लाइड है, कैसे, धा ती धिक ता, है ना, धा ती धिक ता, इस तरीके से आपको बजाना है। तो धा ती धिक ता धा ती धिक ता, समझ में आ ही गया होगा।
इसका जो नेक्स्ट पल्ला है वो कुछ इस तरीके से है, ताति तिक्ता धाति तिक्ता, ताति तिक्ता धाति तिक्ता, ताति तिक्ता धाति तिक्ता। ता में गे नहीं बजेगा जैसे पहले बार में धाति तिक्ता में बज रहा था, अब की बार सिंगल ता से स्टार्ट होगा। कैसे? ताति तिक्ता ताति तिक्ता, देखिए ता ती तिक ता धा कम स्लाइड के साथ और फिर ती और फिर धिक ज्यादा स्लाइड के साथ और फिर ता, तो ताते तिक्ता धाति तिक्ता धाति तिक्ता धाति तिक्ता ताते तिक्ता धाति तिक्ता। इस तरीके से आप इस लग्गी के सारे पैटर्न को, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि कहरवा के द्रुत लय को, इस तरीके से आप बजा सकते हैं प्रॉपरली। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।